तो गाइस आज हम लोग सोच रहे हैं कि एक वी बैज वाले बंदे को पहले, और वो वी बैज वाला बंदा एक ही दिख रहा है अभी, तो बात करते हैं। हेलो जी, बोलिए। भाई मैंने सुना है कि तू बहुत ज्यादा उड़ रहा है आजकल। लोग बाग बता रहे हैं कि भाई तेरा गेम अखंड लेवल हो गया है, हेड हेड मार रहा है, वी बैज भी एनजी दिख रहा वाले है। डरने लगे क्या आजकल मेरे से? मस्त जोक मारा या मैं सोच रहा हूँ यार, तेरे यार दोस्त होंगे ना वीबेज वाले, एक टू वी हाँ। सिक्स गेम खेले, पता चल जाए कौन डरता है, किसकी चड्डी फटेगी। नहीं वो तो एनजी वालों का पता लगे ना कितने नूबड़े हैं, कितने पानी अरे में ये पता बता, लग तू सच जाएगा। में अच्छे हेडशॉट मार रहा है क्या? क्या अच्छे हेडशॉट मार रहा है क्या वैसे तू? अरे पूरा भाई, वो जो दो बंदे लाओगे ना वो तो रो देंगे पहले एक दो गेम में। ये तो पता, तुम्हारे अब्बा ने भी कभी हेडशॉट मारे हैं? भाई वो उनका उसका तो नहीं पता, बट मैं जरूर मार रहा हूँ। चलो भाई मजाक में बोल रहा था मैं, बुरा तो नहीं लगाओ, पर मैच सीरियस में ही करेंगे, टेंशन मत ले। कितने लेके आएगा? छह बंदे अभी जाएंगे वी बैच? अरे एकदम छह के छह अखंड लेवल हैकर हैकर आएंगे, समझो हैकर जैसे मारेंगे वो छह के छह। चलो भाई देखते हैं इस गेम में, क्योंकि बंदे बोल तो देते हैं फिर बाद में फुस हो जाता है, जैसे नहीं होगा रॉकेट कुछ उड़ ना नहीं पाता ना, होने फुस होके गिर जाता है भाई। ये बाकी सो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक और हार्ड चैलेंज की तरफ। यहां पे आप लोग सभी यूट्यूबर्स, पहले मैं दिखा देता हूं, संदीप आईडी आ चुके हैं। बट गाइस पिछले कोई सी वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था इस चैलेंज के लिए, बट इससे भी हार्ड चैलेंज क्या हो सकता है वो आप लोगों को बताना है गाइस, ठीक है ना? इसको तो हम लोग साथ में देखने वाले, इस चैलेंज में क्या होगा। बट जो और भी चैलेंज जितने भी हार्ड हो भाई, जो भी आपके माइंड में आए, यहां पे है गाइस टेक्नो बंदा। तो भाई कमेंट करके जल्दी बस बताते रहो। इस तीन बंदे यहां पे हो चुके हैं, फोर्थ यहां पे हरियाणवी 1M। और एक चीज मेरे को सिमिलर सी दिख रही है सब में, वो है कि भाई गिल्ड के लीडर सब लोग खुद ही हैं यहां पे, और लेवल वगैरह भी खतरनाक दिख रहे हैं यहां पे मिस्टर साहा वाईटी। और ये भी बताना भाई इनमें से कौन सी टीम यहां पे जीतने वाली है और कौन ज्यादा किल करेगा, इस साइड से या फिर दूसरी साइड से यहां पे। अब देखते हैं लास्ट प्लेयर को, टीएस आहाद। भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्या होगा इस गेम में, क्योंकि आज स्मूथ के साथ मेसी, तूफान, नोटा नहीं, आज है यहां पे टगारू, और मैंने बस कर दिया है। अरे भाई साहब स्मूथ नोबड़ा यहां पे स्टार्ट जरूर हुआ है, बट लेट्स सी। हरियाणवी बोल जरूर रहे थे भाई मेरे लिए स्पैम अलाउ करवा दे रहे हैं यहां पे। फर्स्ट राउंड यहां पे स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, 2v6 टीएस आहाद, टगारू क्या कर रहे हैं। चलो टगारू यहां पे स्टार्ट होंगे, बट आते ही यहां पे हेडशॉट भाई, और कितनी दूर यहाँ पे मार है। बट अगारू ये क्या कर रहे हैं भाई, मतलब यहाँ ये हकीकी जगह थोड़ी ना है भाई, और ना ही मैच में अग्न है, आज ये बड़ा मैच है यहाँ पे, करके दिखा रहा होगा। बट अगारू अभी तक बैठे हैं वहाँ पे, ए भाई अगारू को नॉक दे दिया है, और स्मूथ भी जाने वाले हैं कहीं ना कहीं। मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट राउंड मुश्किल भरा यहाँ पे हो सकता है, देखते हैं भाई स्मूथ ही क्या कुछ करने वाले हैं। नो बंदा सामने यहाँ पे भी बैच हुई, बट वो भी अपने सर्वर से गए, इसमें बता दूं हम लोग हैं अपने इंडियन सर्वर में। इन यूट्यूबर्स को देख के तो आपको पता चल गया होगा, और एक और बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पे हेडशॉट, 1v4 यहाँ पे फाइट रहने वाली है। बट यूएमपी देख के मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये शॉट बच के हेडशॉट लगा पाएंगे। ठीक है फर्स्ट राउंड यहाँ पे, और नहीं नहीं नहीं, पहला राउंड यहाँ पे शाह वाईटी का हेडशॉट फिनिश, फर्स्ट राउंड खत्म, सेकंड राउंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। टगारू यहाँ पे इस बार आ चुके हैं, बट बुकों के साथ टगारू फिर से बैठ गए, क्या टगारू अब प्रेशर कुछ खतरनाक ही बन रहा है भाई मेरे को फिर है। और टगारू स्टाइलर पे है भाई, सॉरी बुकों पे है, कैसे यहाँ पे टगारू खेलेगा भाई, अब जिम्मेदारी स्मूथ पे ही यहाँ पे आ चुकी है, तो टगारू के लिए मुश्किल रहने वाला है भूकंप के साथ। क्या आगे बढ़ते हुए भाई, भाई 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 बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। टगारू भी यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि टगारू को पता है भाई डैमेज पड़ गया तो मेक से की लगाना पड़ेगा, तो स्काइलर तो है नहीं जो हील यहाँ पे हो जाएंगे। वे भाई ये क्या हेडशॉट मारे सच में,
काफी दूर ओनली रेड। भाई फिर से यहाँ पे रेड में बातें यहाँ पे हो रही हैं। भाई मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे स्मूथ का जो पहले वाला गेम है ना वो नजर आ रहा है। टगारू यहाँ पे नॉक जरूर हो गए बट 1v5 यहाँ पे अब एक प्लेयर को नॉक किया है। स्मूथ ने यहाँ पे फिनिश भी हो चुके हैं बट 1v5 गाइस कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है यार बहुत मुश्किल सा लग रहा है इनके अगेंस्ट में जितना। तो टगारू यहाँ पे भूल गए, सामने वाली टीम को भी ऐसा ओनली यार लोग बोला है बट कुछ प्लेयर्स हैं उसमें टाइलर थी स्मूथ फंस गया मेरे को लग रहा है बट यहाँ पे इतना क्लोज में खतरनाक हेडशॉट। भाई मेरे को लग रहा है वो बंदा आके भूल गया था बट ये क्या था भाई। अरे भाई क्या ही यहाँ पे मार दिया भाई सच में। गाइस बताना आपका फेवरेट यहाँ पे जो क्लच है वो कौन सा होगा। अरे यार एम यहाँ पे नोक वाले बंदे पे ही चला गया। 1v2 शॉट्स कनेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहे स्मूथ के बट कनेक्ट यहाँ पे करने पड़ेंगे प्लेयर्स बट एक तरह से रास्ता आई थिंक यहाँ पे ब्लॉक कर दिया कि कंटेनर के ऊपर जाएंगे या फिर राइट साइड जाएंगे। ठीक है देखते हैं दूसरा ही राउंड है यहाँ पे एक प्लेयर आगे आए जरूर है और एक प्लेयर पीछे से आ सकते हैं बट ऊपर नोक हो गया आई थिंक मेरे को लग रहा है जोन से नोक हो गया। एक लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे हैं और उनको यहाँ पे फिनिश कर दिया। क्या ही ये वाला क्लच यहाँ पे निकाला है। अगले राउंड में टगारू ने एक प्लेयर को नॉक कर दिया भाई। इस बार टगारू भी यहाँ पे फॉर्म में क्या बात है। दो प्लेयर्स को नॉक अब स्मूथ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इजी यहाँ पे जरूर हो सकता है। एक प्लेयर ये टेक्नो बंदा इधर यहाँ पे नॉक है। टगारू ने एक और प्लेयर को नॉक किया बट खुद भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। और गाइस बताए इस अरे भाई जबरदस्त। चलो लास्ट में बताऊंगा वो बात लास्ट तक देखना लास्ट में बताऊंगा मैं आप लोगों को। अरे यार ये वाला भाई ये बंदा मतलब अलग ही लेवल है। 1v1 यहाँ पे फाइट बची है। लव अकेले प्लेयर बचे हैं। लव अभी भी पीछे देख रहे हैं। अरे रे 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 निकले जरूर थे आगे बट गाइस 1v1 लव वर्सेस स्मूथ। अरे भाई 94 का यहाँ पे हेडशॉट। यार शॉट लगने से पहले कितना फास्ट है बंदा और यहाँ पे फिनिश कर दिया। इस वाले राउंड में भी बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे शॉट स्कोर यहाँ पे हो चुका है बंटू देखते हैं। और पता है यार देखो एक चीज मैं देखिए ऐसा होता है ना जब कोई भी हम लोग ऐसा कैंप वैम्प कर रहे होते हैं एकदम से स्पेक्टेड व्यू से ऊपर दिखता है एक बंदा आ गया चलो भागते हैं फिर कहीं ऐसा दिख रहा है बट टगारू को देखते हैं क्योंकि वो देखना चाह रहे पहले बंदे हैं कहां पे क्योंकि गंदा इतना मार रहे हैं। और भाई टगारू के सामने तुम रश कर रहे हो यहाँ पे टेक्नो बंदा ने खुला यहाँ पे रश जरूर किया पर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। दो शॉट भाई छू नहीं पा रहे यहाँ पे लग रहा है नजर लग गई है भाई जैसे ही मैंने दो शॉट बोला भाई अगले के दोनों ही यहाँ पे कनेक्ट हो गए। हरियाणवी स्कोर अभी यहाँ पे हो चुका है 2-1। एक और राउंड यहाँ पे स्टार्ट अभी गो स्मूथ। ओ भाई जबरदस्त ये बंदे को जहां पे बोलो वहीं पे हेडशॉट ये मार देते हैं। तीन प्लेयर बचे हैं और टगारू ने एक और प्लेयर को नॉक कर दिया। और पता है इस वाले में क्या इशू है ना कि टगारू का यहाँ पे ज्यादा मैं मैच यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर बट अभी देखते हैं 1v2 यहाँ पे प्लेयर को नॉक और लास्ट प्लेयर को आई थिंक यहाँ पे फिनिश कर दिया है स्मूथ ने। तो अभी तक का जो गेम लग रहा है ना मेरे को वो लग रहा है कुछ ज्यादा हार्ड सा तो यहाँ पे नहीं लग रहा है बट अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाए तो हार्ड हो सकता है। थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के खेले सारे बंदे आते स्मूथ पे ही रश कर दे थोड़ा रश खतरनाक वाला दिखा है। और जी गाइस भाई पीछे से स्मूथ को पता ही नहीं चल पाया। एक तरफ से तो स्मूथ यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है सारे प्लेयर्स को मैनेज कर लेता है उसको पता है कैसे टैकल करना है बट इस बार ये टेक्निक पिछली बार भी पहले यहाँ पे नॉक किया गया था स्मूथ को। जब स्मूथ को अगर नॉक कर दिया तो मामला यहाँ पे इजीली वो राउंड यहाँ पे निकाल सकते हैं क्योंकि टगारू के पास यहाँ पे ओहो जबरदस्त बट टेक्नो यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट के अंदर ही आ गया था ग्लोबल के भी। तो प्लेयर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं बट
अरे जबरदस्त यार, मैं टेक्नो में कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया टेक्नो का कौन सा ड्रेस था। जो मेरे को पहले लगता है ना वो टगारू जैसी बॉडी पहनता है। क्या एक दो रॉक्स टगारू इधर से भी निकाल सकते हैं क्योंकि वैसे तो फाइट ये बची है गाइस यहाँ पे वन ऑन वन की, यानी कि टगारू भी एक बंदे से फाइट कर रहे हैं, स्मूथ भी यहाँ पे एक बंदे से, बट स्मूथ ने यहाँ पे नॉक कर दिया उसको। एक लास्ट प्लेयर और अब मेरे को लग रहा है इस वाले राउंड में, पिछले दो राउंड यहाँ पे खोए जरूर है। ओके भाई देख के लग रहा था स्मूथ यहाँ पे ग्लूल के पीछे मारेगा, कहीं देख लिया था। और एक और प्लेयर को यहाँ पे एक शॉट यार, वन टैप गन को देखो, मैं तो पहले की बता रहा हूँ यूएलपी थोड़ी पहले इतनी जबरदस्त नहीं थी, बट अब जो यहाँ पे यूएलपी भी हो चुकी है वन टैप, तो भाई नए पीसी में स्मूथ अलग ही मार रहा है। अरे भाई रेस्ट तो भूल के भी मत कर देना यहाँ पे, और दोनों प्लेयर्स को रोक भाई, उधर से टगारू ने भी प्लेयर्स को रोक दिए। बंदा बैठा है क्या यहाँ पे, बाहर की तरफ निकलेगा प्लेयर भाई, अभी भी नहीं निकला है, अब यहाँ पे निकला है और रेड से नीचे बात ही नहीं हो रही भाई, जो अभी तक खेला। और मेरे को लग रहा है राउंड के बाद में कहीं ना कहीं और भयानक प्लेयर होते जा रहे हैं, यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं बट क्या वन टैप, और टगारू भी वन टैप पे है और वन टैप यहाँ पे लगाए जरूर टगारू पे रश करने की, ये सारे बंदे टगारू पे। अरे भाई करने वाले जो बंदे ग्लू होल तो ऐसे ही लगाइए उस बंदे ने। अरे यार ये जो बंदा पागल बना दे ना, पहले बंदा उधर गया और फिर वापस आ गया वहां से, उधर भी यहाँ पे एक शॉट। लेट्स सी भाई ये बंदा ना भाई अलग ही लेवल है, अब लेवल देख रहे हो यहाँ पे भी बिना रेंट के बात ही नहीं कर रहे हैं, अलग ही लेवल प्लेयर है। स्कोर 3-6 हो चुका है भाई, मतलब मैं क्या बोलूं इस बंदे के लिए। उधर से टगारू भी यहाँ पे जबरदस्त खेल रहे हैं और इतने में हम लोगों ने चेंज किया, इतने में यहाँ पे टगारू था वो स्मूथ ने ही वो नॉक किया था। ओ भाई टगारू ने यहाँ पे डेजर्ट ईगल से वन टैप दे दिया, यहाँ से मेरे को पता जरूर चल रहा है बट अरे यार पीछे से इतना बंदा ये बिल्कुल इजी मार सकता था बट शॉट यूज के कनेक्ट हुए, बट भाई स्मूथ को छोड़ने वाला नहीं है, नॉक करके क्या ही पीछे को यहाँ पे गिरा है। लास्ट प्लेयर बचे हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला जो टास्क मेरे को लग रहा है गाइस, जो चैलेंज था वो हमारे लिए काफी हो गया। यार कुछ खतरनाक सा बताओ गाइस शेड में, कुछ और खतरनाक खतरनाक मैच हो चुकी है, लास्ट प्लेयर बचा है फिनिश कर दिया है भाई, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे खेला है, बहुत इजी सा गेम हो गया है क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 राउंड के बाद में फिर लगा ही नहीं कि यहाँ पे हार्ड है, और स्मूथ ने तो भाई अलग ही लेवल मारा है लिटरली भाई, 27 किल यहां पे किए स्मूथ ने। और गाइस ये मैच में ये था कि टगारू अपनी साइड से रिकॉर्ड करेगा बट टगारू रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए टगारू के ज्यादा शॉट्स मैं नहीं दिखा पाया हूं, बट नेक्स्ट टाइम जल्दी टगारू के लिए भी कोई चैलेंज हम लोग करेंगे 1v4 या 1v6 कुछ ना कुछ आप लोग लेके आएंगे। और देखा जाए तो गाइस यहां पे 14 किल टगारू ने भी किए वुको के साथ में, तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं है तो एक साथ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।